नमस्कार दोस्तों, चौधरी एसोसिएट यूट्यूब चैनल का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज चौधरी और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के समय बात करने वाले एक वायरलेस फिंगरप्रिंट डिवाइस के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि मार्केट में मार्फो या मंत्रा का शॉर्टेज चल रहा है। आपको मार्केट में मंत्रा भी कहीं देखने को नहीं मिल पा रहा है और साथ में आपको यही पता हो कि मार्फो कई सारा मॉडल यहाँ पर बंद हो चुका है। जहां पर E3 डिवाइस चल रहा है वो भी काफी महंगा पड़ रहा है, तो उसी के लेवल में एक डिवाइस लाया है जो कि काफी बेहतरीन है और मार्फो से कई गुना बेहतरीन है। यदि आप मार्फो को परचेज कर रहे हैं तो मार्फो भी मार्केट में काफी महंगा चल रहा है, जो कि 4 से लेके 5 के बीच में आ रहा है। तो वहां पर कुछ पैसा और ऐड करके आप बेहतरीन डिवाइस परचेज कर सकते हैं जो कि एकदम बिल्कुल वायरलेस रहेगा और वायरलेस के थ्रू यहाँ पर यूज कर सकते हैं। साथ में इसकी आईडी से लाइफ टाइम मिल जाएगी। साथ में आपको इसकी जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो काफी अच्छा है और यहाँ पर आपको बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिल जाता है। साथ में इसमें आपको कोई भी फोन को भी किसी प्रकार की फॉल्ट या दिक्कत नहीं आने वाली है। कई बार क्या होता है कि आपको बार बार मार्फो यूज करते हुए आपके फोन का जो जैक होता है वो खराब हो जाता है, जो कि आपकी आपका जो फोन काफी महंगा होता है तो काफी दिक्कतें होती है। तो उसी को देखते हुए हमने एक बेहतरीन डिवाइस आपके लिए लाया जो कि बहुत ही चीप प्राइस में, हालांकि उसका हमने कई बार अनबॉक्सिंग कर रखा था अपने चैनल पे, लेकिन उसका जो प्राइस वो अप डाउन होता रहता है। हमने एक वीडियो डाला था जो कि 1.5 या 2 साल पहले डाला था, जो कि काफी मतलब ट्रेंडिंग में चल रहा था। उसपे काफी अच्छा खासा व्यूज भी आपका आया हुआ है। मैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि उसका प्राइस काफी सस्ता था, वहां जाकर देख सकते हैं। बट वो प्राइस जो था लॉकडाउन के बाद मतलब बढ़ गया, इंक्रीज हो गया है। तो अभी का क्या प्राइस है, करंट टाइम में किस प्राइस को मिलने वाला है, मैं इसी के शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा था, वीडियो को स्किप नहीं करना है। फ्रेंड्स मेरा नाम मनोज चौधरी और आप देख रहे हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एसोसिएट। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते, आपको लाइव दिखाते हैं यहाँ पर कौन सा डिवाइस आपको बेहतरीन रूप से मिलने वाला है और ये डिवाइस कौन कौन से पोर्टल में काम कर रहा है, कहाँ कब यूज कर, सारी जानकारी हम लोग को शेयर करने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको बताया कि आप सभी लोग के लिए एक बेहतरीन डिवाइस लेकर आए हुए हैं जो कि काफी शानदार और बहुत ही स्मार्ट डिवाइस जो कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने है। ये बिल्कुल भी वायर से नहीं चलता है, पूरा का पूरा वायरलेस डिवाइस है। आप इसे ब्लूटूथ के माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपके सामने डिवाइस है, इस कंपनी का नाम है ई वैल्यूट और जो मॉडल है वो आइडेंटिफाई मॉडल है। इसका वीडियो हमने कई बार बना रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और यूट्यूब पे आप जब भी आप सर्च करेंगे ई वैल्यूट कंपनी का डिवाइस या आइडेंटिफाई डिवाइस सर्च कर दे तो आपको पहले ही मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। इसमें दो मॉडल हमारे पास मिल जाता है आपको, पहला आपका ई वैल्यूट कंपनी का आइडेंटिफाई मिल जाता है, दूसरा हमारा यहाँ पर एक फेलकान डिवाइस होता है जो कि मैं वीडियो में आपको पूरा का पूरा दिखाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले हम इसका अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं, जो कि आपके सामने इसको हमने ओपन करके रख दिया। ये वन बॉक्स है और इसमें तकरीबन 20 से 25 के आसपास यहाँ पर मॉडल है और मतलब क्वांटिटी है, और बाकी जो हम दूसरा मॉडल आपको दिखाएंगे वो भी आपको दिखा देंगे। और ये दोनों डिवाइस मतलब बहुत ही पोर्टल में काम करते हैं, जहां तक है 99% जितने भी लोग मतलब जो अच्छी कंपनी है मतलब जिसमें ये काम करता है वो सभी के पास अवेलेबल होगी वो आईडी। तो ये डिवाइस उस पोर्टल में काम कर जाता है। और ये खास इसका जो मकसद होता है, ये ज्यादातर लोग इसको परचेज करते हैं, जैसे कि केनरा बैंक का BC हो गया, यूको बैंक का हो गया, यूनियन बैंक का हो गया और बैंक ऑफ बड़ौदा को गया, ऐसे बहुत सारे BC पॉइंट हैं। उन सभी BC पॉइंट में इस तरह का डिवाइस काम करता है। साथ में स्पाइस मनी, पेनियर बाय, फिनोपेन बैंक और भी कई सारी कंपनी उसमें ये वायरलेस डिवाइस काम करता है। और भी किसी कंपनी का आप अगर यदि AEPS यूज कर रहे हैं, AEPS सर्विस और डिवाइस को यूज करना चाहते हैं, तो काफी लोग का सवाल ये होता है कि ये डिवाइस काम करेगा नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके पोर्टल में ई वैल्यूट या आइडेंटिफाई का ऑप्शन आ रहा है, नाम शो कर रहा है, तो आप डिवाइस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हमने ज्यादा बात कर ली, अब इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कुछ डिटेल में, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कितने प्राइस का है, कैसे बुक करना है, सारी चीज वो बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये डिवाइस है और यहाँ पर ई वैल्यूट लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई है। तो सबसे पहले इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं एक एक पीस यहाँ से। तो इसको हम लोग एक पीस ओपन करेंगे, बाकी चीज हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये काफी शानदार डिवाइस है और आप इसके ऊपर मत जाइएगा, ये जो फिनोपेट्स बैंक लगा, ये एक लोगो होता है, एक तरह से लेबल लगाया जाता है। तो हम अलग अलग कंपनी का लेबल लाकर आपको देते हैं, यदि आप कोई और भी लेते हैं तो लेबल पे मत जाइएगा। ये कंपनी, ये सॉरी, ये इवोल्यूट कंपनी है और आइडेंटिफाई मॉडल है, तो इस पर अलग से लेबल लाके सेल किया जाता है, आप किसी भी कंपनी को यूज कर सकते हैं। तो डिवाइस की हम लोग बात करें जो कि काफी बेहतरीन है, यहाँ पर दो इंडिकेटर मिल जाता है, जो कि एक आपका मतलब बैटरी बैकअप को बताता है, दूसरा आपको यहाँ पर बताता है कि कनेक्ट है कि नहीं है। और यहाँ पर आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं चार्जिंग सॉकेट यहाँ मिल जाता है, और यहाँ पर आपको फिंगर इसका मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर इसका ऑन ऑफ बटन मिल जाता है। तो इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं और पीछे इसका सीरियल नंबर वगैरह मिल जाता है।
ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डिवाइस ऑन हो चुका है और इसका लाइट जो ब्लिंक करना चालू कर दिया है। और जैसा कि मैंने आपको यही बताया था, अगली वीडियो में काफी लोगों का कन्फ्यूजन चल रहा था कि ये डिवाइस में मतलब E2 या E3 कौन है, तो ये डिवाइस E3 है, बिल्कुल E3 है। E3 का पहचान करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया था, जिसमें इस तरह का तीन लाइट होता है बीच में वो E3 होता है, और जिसमें इस तरह का लाइट नहीं होता है फिंगरप्रिंट में वो E2 होता है। तो ये बिल्कुल भी E3 है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। तो हमने डिवाइस तो आपको दिखा दिया और बाकी चीज हम आपको डिटेल बताते हैं। तो डिवाइस को पहले हम लोग ऑफ कर लेते हैं, बाकी हम आगे आपको दिखाते रहेंगे। इसको हम लोग रखते हैं और क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, और इतना दिखाने का मकसद यह है कि काफ़ी लोग का ये भी सवाल होता है कि आपके पास क्वांटिटी है कि नहीं है, फ्रॉड अगर बहुत चांस होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवेल्यूटल आइडेंटिफाई, इसको हम लोग करते हैं बगल में। और हम जैसा कि दूसरा आपको बताया था, यहाँ पर भी लेबल लगा हो तो लेबल पे मत जाइएगा, इसको ओपन करते हैं हम लोग। और यहाँ पर हमें जैसा कि देख पा रहे ये डिवाइस मिल जाता है, इसका नाम है फेलकॉन डिवाइस, इसको भी ओपन करके दिखा देते हैं। और यहाँ पर इसका ये फिंगरप्रिंट है और ये इसका प्रिंटर है, जो कि मतलब ये कंबाइन में करके आता है, ठीक कम्बो में, इसमें प्रिंटर और बायोमेट्रिक दोनों होता है। यहाँ पर भी इसका ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट, और ये आपका USB केबल है, और यहाँ पर भी आपका एक ऑप्शन मिल जाता है USB पोर्ट, ये भी है, ये आपका चार्जिंग केबल है, और ये ऑन बटन, इसको ऑन करेंगे ये ऑन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर लाइट होता है, ये लो बैटरी का सिंबल है, यानी कि बैटरी लो चल रहा है अभी। और यहाँ पर भी कई सारे बटन है, तो इसके मैंने वीडियो बना रखा हुआ है, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों की प्राइस की बात हम आगे कर लेते हैं और आपको डिटेल बताते हैं ये दोनों डिवाइस कैसे परचेज कर सकते हैं। और ये भी डिवाइस है, हर एक पोर्टल में काम करता है, बस इसमें दोनों में फर्क क्या है, वो ओनली केवल फिंगरप्रिंट है और ये बायोमेट्रिक और प्रिंटर है, और इसको भी ज्यादातर लोग बीसी पॉइंट ही वाले यूज करते हैं, बीसी पॉइंट चलाते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इस बारे डिटेल में बात कर लेते हैं, कैसे आपको इसको ऑर्डर करना है, कैसे बुक करना है, और ये कितने प्राइस का पड़ेगा, सारा चीज आपको इसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आपको यहाँ पर बेसिक जानकारी मिल जाएगी, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और तभी आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगी। तो सभी को पहले हटा लेते हैं और टोटल A to Z बताएंगे कितने प्राइस में बुक करना है। बहुत से लोग का सवाल आता है, COD मिलेगा नहीं मिलेगा, गारंटी वारंटी क्या है, और इसका RD सर्विस कितना, बैटरी बैकअप, सारा चीज़ सवाल आपके मन में रहता है, तो मैं सारा डाउट इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं आपको दोबारा से एक बार स्टॉक दिखा देता हूँ, कई बार लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि इनके पास स्टॉक है कि नहीं है, तो मैं आपको एक बार लाइव दिखा देता हूँ कि मेरे पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास सारा का सारा स्टॉक अवेलेबल है, जो कि मैंने आगे आपको वीडियो में दिखाया था। तो इसको रखते हैं बगल में और इस विषय में बात करते हैं कि कैसे इसको परचेज करना है। तो फ्रेंड सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इस डिवाइस के प्राइस के बारे में, और ये डिवाइस हमारे पास आपको दो मोड में मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दो मोड अवेलेबल हमारे पास है, एक प्रीपेड मोड, दूसरा COD मोड, जिसे हम बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। तो यहाँ पर दोनों मोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं COD ही। तो हम दोनों का प्राइस यहाँ पर बताएंगे आपको। इसका जो प्रीपेड का जो प्राइस है वो 6,000 है, पहले इसका जो प्राइस था वो था यहाँ पर 6,500 प्रीपेड का प्राइस था, और COD का प्राइस पहले इसकी था 7,000 था, लेकिन अभी आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर काफी ज्यादा आपको छूट मिल जाएगा। यदि आप इसे प्रीपेड में परचेज करना चाहते हैं करंट टाइम में, तो ये आपको 6,000 मिलने वाला है, और यदि आप इसे COD करना चाहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, तो यहाँ पर आपको पड़ने वाला है 6,500। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में साफ साफ दिखाया था कि आप घर बैठे मात्र 501 रुपये बुक कर सकते हैं, जिसका मतलब ये था कि आप 501 रुपये पे करके इसको बुक कर लेंगे, बाकी जो 6,000 वो आपका है डिवाइस मिलने के बाद आपको पे करना है। तो COD का जो मोड है वो आपको 6,500 पड़ने वाला है, जिसमें आपको 501 रुपये पहले दे देना है, और बाकी 6,000 आपको जब डिवाइस आपके घर पे पहुंच जाएगा उसके बाद ही आपको वापस 6,000 देना है। और यदि आप चाहते हैं कि हम पूरा पेमेंट घर बैठे कर दें ऑनलाइन ही, तो वहां पर आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको केवल 6,000 डिवाइस का पे करना है। और इस डिवाइस की हम लोग गारंटी वारंटी की बात करें तो 6 मंथ की होती है, अगर 6 महीने के अंदर कोई भी खराबी आ जाती है, कोई भी दिक्कत आ जाती है, तो हमारे पास इसको रिप्लेस या रिपेयर करके दिया जाएगा। और इसकी RD सर्विस की बात करें तो इसकी जो RD सर्विस वो लाइफ टाइम के लिए, एक बार इसको आपको यहाँ से RD सर्विस करके अंदर इसको लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। और ज्यादातर लोग सवाल कर दिए कि 6 महीने की गारंटी मिल रही है, तो हमने इसको काफी लंबे लंबे टाइम से सेल किया हुआ है, जिसमें किसी प्रकार की कोई फॉल्ट नहीं आई है। यदि आप जानना चाहते हैं, इसके लिए हमने एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ, उसका लिंक मुझे जाकर देख सकते हैं, वो काफी पुराना वीडियो है जिसमें प्राइस का काफी मतलब डाउन था, अभी प्राइस ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। तो हमने आपको दोनों चीज क्लियर कर दिया। आप लोग बात कर दिए कौन कौन से पोर्टल में काम करेगा, तो पोर्टल के हमने बता दिया, ज्यादा तो इसको बीसी पॉइंट यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया था कैनरा, यूको बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे CSP है, फिनो पेमेंट बैंक, स्पाइस मनी, पेनम, इन सभी पोर्टल में काम कर जाता है, और जिन पोर्टल में आइडेंटिफाई या ई वॉलेट का नाम आएगा वहां पर जो है इसको यूज कर सकते हैं।
तो मैंने इस डिवाइस का दोनों चीज बता दिया कि आपको प्रीपेड मिलेंगे तो ये पड़ेगा आपको 6000, सीओडी पड़ने वाला 6500, मात्र 500 रुपये देकर आप यहाँ पर 500 रुपये देकर डिवाइस को ऑर्डर लगा सकते हैं। और ये ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी बुक करवा सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र या किसी भी राज्य या किसी भी डिस्ट्रिक्ट रहने वाले हैं, अपना एड्रेस सेंड करके ये डिवाइस हमसे ऑर्डर लगवा सकते हैं। और मैं आपको दूसरी डिवाइस की बात कर लूँ, समझा बताया जैसा कि मैंने आपको बताया था फेलकान के बारे में, तो उसका भी हम प्राइस हमें बता दें ताकि उसको भी आप परचेस कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं फेलकान डिवाइस है, इसका भी हम प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 13,500 रुपये। जी हाँ, सो ये 13,500 का डिवाइस है और ये जो है ये आपको प्रीपेड और सीओडी दोनों मोड में अवेलेबल मिल जाएगा। यदि आप इसे प्रीपेड में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको केवल 13,000 रुपये लगने वाला है, और यदि आप इसे सीओडी करना चाहते हैं तो वहां पर आपको 13,500 रुपये देना है, जिसमें इसको भी आप 501 रुपये देकर इसको ऑर्डर लगवा सकते हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी इसको डिलीवर करा सकते हैं। इस डिवाइस के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, डिटेल में इसके बारे में रिव्यू देखना चाहते हैं, तो मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो में हमारा नंबर मिल जाएगा, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर वहां से हमें कॉल इस डिवाइस को ऑर्डर लगवा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण आपको जानकारी शेयर करना चाहूंगा, यदि आपको डिवाइस लेना हो तभी कॉल करें, किसी तरह की फॉल्ट किसी तरह की समस्या को लेकर हमारे पास कॉल लगे। कई बार ऐसा भी कॉल आता है कि हमारे डिवाइस की बैटरी खराब हो गई है, हमारा डिवाइस काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको वहीं से कॉन्टेक्ट करना है जहां से आपने डिवाइस को परचेज किया था। यदि आपकी डिवाइस हमारे पास से है, आपके पास बिल हमारा है, तो आप इसको हमारे वहां से रिपेयर भी करवा सकते हैं और रिप्लेस भी करवा सकते हैं। 6 मंथ के बाद यदि आपकी डिवाइस किसी प्रकार की खराबी आती है, कोई गड़बड़ी आ जाती है, तब भी आप हमारे वहां से डिवाइस परचेज किए हैं तो हमारे वहां भेज के रिपेयर करा सकते हैं, बट उस केस में आपको जो भी इसका खर्च आएगा वो आपको देना पड़ेगा। और गारंटी वारंटी के पीरियड में यदि आपकी डिवाइस में कोई फॉल्ट आती है तो आपको कोई किसी प्रकार का कोई चार्ज आपको पे करने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में रिपेयर या रिप्लेस करके या नया डिवाइस को दिया जाएगा। तो बस आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करना था, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा और डिवाइस भी काफी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में काफी बेहतरीन लगा होगा। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।